हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम डिस्कशन करिबा वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रेट स्ट्रिंग। सो लास्ट क्लास में हम डिस्कशन करथिले लॉन्गिट्यूडिनल वेव पे वेलोसिटी तर टाइम डेरिवेशन। सो लॉन्गिट्यूडिनल वेव रे कौन होतला ना डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव इज पैरेलल टू द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। दैट मीन्स पार्टिकल रो मोमेंटम जदी मूवमेंट जदी कौन होतबो ना ए डायरेक्शन रे होतुव ताहले वेव रो डायरेक्शन भी सही डायरेक्शन रे होतुव। सही टाइप रे वेव को हमें कहुथले लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव रे कौन हुए ना मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। एटा होची डायरेक्शन ऑफ एटा जदी वेव रो डायरेक्शन हला एटा होची डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल। दैट मीन्स पार्टिकल टा परपेंडिकुलर है कि मूव करथुवा डायरेक्शन ऑफ द वेव सहित हला। सही टाइप रो वेव को हमें कहू कौन ना ट्रांसवर्स वेव। तार एग्जांपल कौन ना तुम्हार जो वाटर वेव रोची वाटर वेव लाइट वेव और रेडियो वेव्स एगुड़ा सब ट्रांसवर्स वेव रो एग्जांपल्स। सो ए वेव फॉर्मेशन केमती हुए देखो हमें जो सपोज गोटे हमें स्ट्रिंग कंसीडर करिबा प्रथमे। सो एटा तुम्हार हला सपोज गोटे स्ट्रिंग स्ट्रिंग टा भी डिस्टर्ब हैनी ठीक अछि हमें ताको एबे डिस्टर्बेंस अप्लाई करिबा केमती परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जदि हमें फोर्स गोटे अप्लाई करिबा ए स्ट्रिंग उपरे ताले से स्ट्रिंग टा केमती हमको देखा जिवो ए टाइप रो गोटे वेव नेचर टाइप रा हमको एटा देखा जिवो स्ट्रिंग टा। तो एठी कोन होची ना वेव टा ए डायरेक्शन रे मूव करची। सपोज एटा एक्स एक्सिस हला एक्स एक्सिस रे जदि वेव टा मूव करूची हमरा पार्टिकल केमती ऑसिलेट करूची ना टू एंड फ्रो मोशन करुची परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव अबाउट इट्स मेन पोजिशन। सो ए टाइप रो वेव को हम कहू कौन ना ट्रांसवर्स वेव। तो एबे हम ए टाइप रो वेव रो हम कौन करू ना वेलोसिटी कैलकुलेट करिबा। सपोज हम तार केवल गोटे पोर्सन नबा सपोज ए फास्ट रिजन टा हम सपोज कंसीडर करिबा ए रिजन को टिके बड़ कि हमें ये ड्र करवा देख एटा को मोर है एक्स एक्सिस वेव रो डायरेक्शन आम ये तार गोटे स्मॉल पोर्शन से वेव रो आम नहींचे एमती गोटे रिजन अच्छी। सो ए पॉइंट को आम कंसीडर करवा सपोज ए ए पॉइंट को आम कंसीडर कले बी एबे आर गोटे स्मॉल रीजन नहीं जीवा सपोज एटा होची सी एटा होची डी जिते बड़े वेव टा मूव करुची सेते बड़े कौन होची ना गोटे टेंशन अप्लाई हबो स्ट्रिंग उपरे। सो से टेंशन ना डायरेक्शन टा केमती ना एमती टेंजेंशियल है कि टेंजेंशियल टू द स्ट्रिंग। सपोज डी पॉइंट जो टेंशन होची सेटा होची टी टू सी पॉइंट जो टेंशन हमें पाउचे सेटा सपोज टी वन हला। सी पॉइंट केते डिस्टेंस रे अछि हमें दे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर द जरे एक्स एक्सिस को सपोज ए पॉइंट अछि एक्स वन ए पॉइंट सपोज तुम्हारा हला एक्स टू एक्स वन एक्स टू भितर गैप केते ना डेल्टा एक्स। सो एठ कौन हो ना टिके बेंड करके अच्छे स्ट्रिंग टा तो आम रीजन को एत्ते स्मॉल नहीं चे कि जदि आम परपेंडिकुलर ड्र कर एक्स एक्सिस जी गैप आम पाइबा बेंड कले भी आम से पाइबा। दैट मीन्स इटा नियरली स्ट्रेट रीजन है पूरा छोट रीजन आम कनसीडर करचे। सो फिगर एत छोट रीजन देखे हेबन से आम टे गैप नहीं चे बट दिस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू दिस मच है बहुत स्मॉल रीजन। तो जदि तुम आम गोटे कलर नहीं जावा
सपोज थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टी वन एंड द होराइजोंटल लाइन. सपोज इमती आम गोटे लाइन अच्छी, सपोज यही एंगलटा आमर है थीटा वन एंड एटी भी सेमती होराइजोंटल आम गोटे लाइन ड्र करवा. सपोज यहाँ हूँ आमर के ना थीटा टू. सो ए कंपोनेंटा के हम टी टू कॉस थीटा टू, एटी के हम टी वन कॉस थीटा वन. सिमिलरली वर्टिकल कंपोनेंट के हम टी वन साइन थीटा वन, एटी के हम वर्टिकल कंपोनेंट टी टू साइन थीटा टू हला. तो एबे आमे जदि आमे कहिबा कि फोर्स रो एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स केते हबो एक्स डायरेक्शन रे जो कंपोनेंट रहिछि टी टू कॉस थीटा टू माइनस टी वन कॉस थीटा वन, कहीं की माइनस हला कारण एटा ई डायरेक्शन रे अछि नेगेटिव एक्स एक्सिस t2 cos theta 2 positive x axis. So plus t2 cos theta 2 minus t1 cos theta 1 hala. So amme ebe consider kariba, consider t2 is equals to t1, that means टेंशन प्रेजेंट एट द पॉइंट डी इज इक्वल्स टू दैट ऑफ सी, कहीं आम रीजन को बहुत स्मॉल देख ये छोट रीजन गोटे एमती हम. सो ए रीजन रे तार एंड पॉइंट जी फोर्स पड़ब ए एंड पॉइंट से फोर्स पड़ब, तेणु आम रिजन को फिगर रे केवल देखे फिगर रे आम बुझाप केवल टी गैप नहींचे. बट कहली ये आगुरी कही कि डेल्टा एक्स मैंने कर्व बेले जी लेंथ ताकू आम हॉरिजॉन्टल ड्र कले भी सेक लेंथ हम. सो टी टू इज इक्वल टू टी वन जदि है तेल आम एफ एक्स के लिखिपर टी आमर कमन पड़े आस रत ना कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन. सिमिलरली आमर वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स के हम टी साइन थीटा टू माइनस साइन थीटा वन. नाउ आम ये कंसीडर करिबा आ गोटे जिनस कौन ना थीटा वन इज इक्वल्स टू थीटा टू, ताहले केते हिजिबो कॉस थीटा टू इज इक्वल्स टू कॉस थीटा वन हम कि नहीं. एंड ये जो थीटा वन एंड थीटा टू आर वेरी वेरी स्मॉल विच इज नियरली इक्वल्स टू जीरो आम ये कंसीडर करिबा, ताहले कॉस थीटा टू थीटा टू यदि नियरली जीरो हैला ताहले कॉस जीरो के तेना वन, तो यहाँ को आम लिखिपर वन. एंड साइन थीटा टू के हम ना साइन थीटा टू के ना टैन थीटा टू, एंड साइन थीटा वन होते ना टैन थीटा वन इफ थीटा वन एंड थीटा टू आर स्मॉल वेरी स्मॉल विच इज नियरली जीरो कारण आम जानचे टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यदि कॉस थीटाटा वन हो गला ताहले टैन थीटा इज नियरली इक्वल्स टू साइन थीटा. सो से जिनस लिखाई आम कनसीडर कले थीटा वन इज इक्वल्स टू थीटा टू एंड बोथ आर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज विच इज नियरली जीरो, देन वी गॉट दैट कॉस थीटा टू इज इक्वल्स टू कॉस थीटा वन इज इक्वल्स टू वन एंड साइन थीटा टू इज इक्वल्स टू टैन थीटा टू साइन थीटा वन इज इक्वल्स टू टैन थीटा वन हला. सो ए
एबे एफ एक्स एंड एफ वाई को आम आउ थे लिखा तेल एफ एक्स के टी इंटू इटि कॉस थीटा वन टा भी वन कॉस थीटा टू भी वन सो वन माइनस वन जीरो हो टी इंटू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो एंड तुम एफ वाई टा के सैन थीटा जगह केवल टैन थीटा आम पुट करवा सो सैन थीटा टू इज इक्वल्स टू टैन थीटा टू सैन थीटा वन इज इक्वल्स टू टैन थीटा वन सो एबे देख टैन थीटा टू टा कौन ना स्लोप विच इज फॉर्मड एट द पॉइंट डी एंड टैन थीटा वन इज द स्लोप फॉर्मड एट पॉइंट सी सो स्लोप टा केते एटा एक्स एक्सिस एटा सपोज वाई एक्सिस हैला एटा सपोज हमर एटा हैला हमर वाई एक्सिस एटा हमें नहीं चाहिए ऑलरेडी एक्स एक्सिस ताले स्लोप के ना टी डेल यू बाय डेल एक्स थीटा टू मीन्स को पॉइंट एक्स वन पोजिशन अच्छी सॉरी एक्स टू जगह थीटा टू माइनस डेल वाई बाय डेल एक्स आट एक्स वन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वन नाउ आम एबे कंसीडर करिबा गोटे क्वांटिटी नबा सपोज एफ एक्स नहीं जीबा गोटे क्वांटिटी व्हिच इज इक्वल्स टू डेल वाई बाय डेल एक्स ताहले आमर वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स केते आम लिखि परिबा टी इंटू एफ फंक्शन एटा होची एट द पॉइंट एक्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू सो आम लिखा एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन तो यहाँ है इक्वेशन नंबर वन नाउ आम फर्दर डेरिवेशन करवा सो एमें इक्वेशन वन कौन पाई आगे लिखिद एफ वाई इज इक्वल्स टू टी इंटू एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन यटा आमर थिला कौन ना इक्वेशन नंबर वन तो एबे आमे एफ एक्स टू को एक्सपांड करिवा यूजिंग टेलर सीरीज सो एफ एक्स टू केते हबो ना एक्स टू इज इक्वल्स टू केते ना एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स आम लिखि परिवा कारण प्रथम फिगर रे तुम्हें देख आम नहीं एक्स वन आक्स टू भितर गैप के डेल्टा एक्स सो एक्स टू इज इक्वल्स टू एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स सो से जिनसटा आम ये लिखले सो ए टेलर सीरीज यूज करके एक्सपांड करवा सो यटा के एफ एक्स वन टेलर सीरीज समस्त जानते हैं कमी लिखा जाए एफ एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स डेल एफ बाय डेल एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स रो स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वन एंड सो ऑन हायर ऑर्डर टर्म सब आसो सो ये आम कनसीडर ऑलरेडी कौन डेल्टा एक्स जो एक्स टू आउ एक्स वन भितर गैप बहुत स्मॉल डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल सो तार सब हायर पावर गुड़ाक कौन हो ना नेग्लेक्टेड आम नेग्लेक्ट कर सो एज डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल All the higher powers of delta x can be neglected. Ethi asiba ahuri delta x ro q by 3 factorial del q a by del x q at x is equals to x1 so emti
हायर पावर ही का चलिए सो एठी आम ए जो क्वांटिटा को नेग्लेक्ट कर सो यटा टेन्स टू जीरो हार पावर अच्छी सो एठी आम केवल आम पाइबा ए दुटा टर्म जेहेतु डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल आम नहींचे सो एफएक्स टू इज इक्वल्स टू के ना एफएक्स वन प्लस डेल्टा एक्स डेल एफ बाय डेल एक्स आट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वन सो दिस इम्प्लाइज एफएक्स टू इज इक्वल्स टू एफएक्स वन प्लस डेल्टा एक्स आम एफ को के ना डेल वाई बाय डेल एक्स सो से आम पुट कर डेल वाई बाय डेल एक्स सो यटा के ना एफएक्स टू इज इक्वल्स टू एफएक्स वन प्लस डेल्टा एक्स यटा के डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर सो एबे आमे एफएक्स वन टर्म को एलएचएस साइड को नहीं आसले ना एफएक्स टू माइनस एफएक्स वन इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स इंटू डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर हैला तो एबे इक्वेशन वन रो वैल्यू आम एठी पुट करिबा एफएक्स टू माइनस एफएक्स वन सो दिस इज इक्वल्स टू दैट इम्प्लाइज एफ वाई इज इक्वल्स टू टी इंटू एफएक्स टू माइनस एफएक्स वन वैल्यू केते ना इतकी सो ये पुट करिबा डेल्टा एक्स डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर हैला तो यहाँ है आम सपोज इक्वेशन नंबर टू जस्ट खाली इक्वेशन वन आम वैल्यूटा पुट कले तो यहाँ आम पाइले इक्वेशन नंबर टू नाउ आम सपोज म्यू को नहीं जीवा मास पर यूनिट लेंथ मास पर लेंथ तो जदि से जो पोर्सन दैट मीन्स आम एम गोटे नहीं सी डी पोर्सन मास जदि है एम ताहले मास ऑफ दैट पर्सन पर्सन एम इज इक्वल्स टू केते हबो ना मास पर यूनिट लेंथ इनटू दिस लेंथ सी आउ डी भितर केते गैप थिला हमर डेल्टा एक्स सो मास ऑफ दिस पर्सन सी टू डी इज इक्वल्स टू म्यू इनटू डेल्टा एक्स सो फ्रॉम न्यूटन्स लॉ न्यूटन्स सेकेंड लॉ वी नो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन सो आमर ऑलरेडी एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स जीरो ही है सो दिस इज वाई सो मास केते से रीजन रो म्यू इनटू डेल्टा एक्स एक्सेलरेशन केते हबो ना डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर एतकी कि नहीं सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री नाउ इक्वेशन नंबर टू आमर के देखा इक्वेशन नंबर टू थिला एफ वाई इज इक्वल टू टी डेल्टा एक्स डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर तो एबे आमे आ गोटे वैल्यू एफ वाई रो पाई जाइछे तो से दुटा को इक्वेट करिबा आमे एबे सो इक्वेटिंग इक्वेशन टू एंड थ्री सो इक्वेशन टू रु आम पाई टी डेल्टा एक्स डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर एबे एफ आई रो वैल्यू केते इक्वेशन थ्री रु मिलला म्यू
डेल्टा एक्स डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर। सो डेल्टा एक्स कैंसिल ही जीवा कितने रहिला टी डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू इनटू डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज टी बाई म्यू डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर। जस्ट खाली म्यू को एलएचएस साइड को मुझे आसली एटा को देदेव आम इक्वेशन नंबर फोर। एबे आमर आम जो फास्ट पढ़ी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। सो आमर के वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन बाय वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर। एतिके थिला तो एबे आमे जदि एटा को केते लिखि परिबा ना वी स्क्वायर को एपर साइड को नै आसले एटा हे जीव वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर हैला। एबे इक्वेशन फोर आउ इक्वेशन फाइव को कंपेयर कर। सो कंपेयरिंग इक्वेशन फोर एंड इक्वेशन फाइव केते आमे पाइबा देखो एपटे जहाँ एपटे से अच्छी एपटे खाली टी बाय म्यू अच्छी एपटे अच्छी वी स्क्वायर। सो टी बाय म्यू इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर दैट मीन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी डिवाइडेड बाय म्यू दैट इम्प्लाइज वी इज इक्वल्स टू वीटा कौन ना वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इज इक्वल्स टू टी बाय म्यू रो रूट ओवर। सो एटा तुम्हारे एक्सप्रेशन कहार ना वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रेट स्ट्रिंग। सो दिस इज velocity of transverse wave in a stressed string. Here t ta kona the tension of the string एंड म्यूटा होची मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है यहाँ हूँ तार फॉर्मूला इतक आम आज डिराइव कले। सो एबे तुम्हारो यूनिट टू टा कंप्लीट हो गला। सो ऑल द बेस्ट।